एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? सो मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी, मेरी फ्रेंड ने भी मुझे बोला था कि कंचन तो अपनी ज्वेलरी कलेक्शन वीडियो बना, गोल्ड और सिल्वर की जो ज्वेलरी है मेरे पास। मेरे पास कुछ ज़्यादा ज्वेलरी तो नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया पहले मेरे पास बहुत थी गोल्ड की ज्वेलरी, क्योंकि हम सारी जो इन्वेस्टमेंट थी अपनी वो गोल्ड में ही करते थे। बट फिर मेरी जब मेरे हस्बैंड बीमार हुए तो मैंने जो अपनी ज्वेलरी है वो मतलब कुछ जो गिन भी रखी थी वो मैंने छुड़वाई है। मेरे पास है रिंग्स, मेरी अभी भी है, जो अभी भी कुछ रिंग्स मेरी रखी हुई हैं वो मैंने नहीं छुड़वाई हैं। बाकी जो भी मेरे पास फ़िलहाल है ज्वेलरी वो मैं आपको दिखाऊंगी। सो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। सो ये देखिए, ये मेरी रिंग है, ये मम्मी ने मुझे दी थी शादी में, मेरी शादी में। सो इसको मैंने ऐसे पैक करके रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये मेरी रिंग है। मेरे पास और भी रिंग्स थी दो, वो मेरी अभी ज्वेलर के पास है तो वो मैंने अभी नहीं छुड़वाई, ये मैंने छुड़वा ली थी। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा इसका डिज़ाइन है। तो कैसी लगी आपको मेरी रिंग बताना कमेंट करके, ठीक है। सो ये है मेरी। सो इसके बाद ये देखिए, ये मेरे इयररिंग है गोल्ड के, ये मेरी मम्मी ने मुझे रक्षाबंधन पे दिए थे। जब मेरी मम्मी बाहर गए थे ना, तब जो बाहर मम्मी के बाहर जाने के बाद जो फर्स्ट पहले रक्षाबंधन से ना फर्स्ट रक्षाबंधन था, तो मैंने जिद कर ली थी कि मुझे छोटे छोटे मुझे बनवा के दो जो मैं डेली वेयर कर सकूं। तो बनवाए तो ये डेली वेयर के लिए थे, बट मैंने इनको डेली वेयर किया ही नहीं, बस फिर भी आने जाने के लिए रखे रहे। और देखिए, क्योंकि मेरे ना कानों के ना ये जो छेद है वो तो ऐसे लमक गए हैं, देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं, क्योंकि मैं हैवी हैवी वो पहनती थी। मुझे बहुत शौक है शुरू से ही पहनने का इयररिंग्स, इसलिए। तो देखिए कितने मेरे गोल्ड के जो इयररिंग्स है कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। देखो ये जो पेंडेंट है, ये मेरा मंगलसूत्र है, मेरी शादी का है, मुझे शादी में पहनाया था ये। मतलब ये पूरा ये एक पेंडेंट ही है, इसमें चेन थी मंगलसूत्र वाली। तो इसको हम जो डोरी है डोरी डाल के इसको एज आ पेंडेंट भी पहन सकते हैं, बट इसको ये छोटा सा ही है, बिल्कुल पतला सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं हैवी ये, बट अच्छा है, इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है। इसी के साथ मैंने जो अपनी ये बनवा लिए थे कि चलो मैं इनको इकट्ठे वेयर कर लिया करूँगी, और मैं करती भी थी इसको एज ए मंगलसूत्र पहन लेती थी, इनको मैं मतलब कानों में पहन लेती थी। तो ये मेरा पूरा एक सेट है। एक ये है देखिए इसके इयररिंग्स, ये जो मैंने अभी छुड़वाया है वो है ना, आपको मैंने दिखाया था जिसमें मुझे कल्पना जी ने हेल्प की थी छुड़वाने के लिए सेट, ये वो वाला है, मेरे बर्थडे पे मैंने पहना था। मेरी इन्वेस्टमेंट अब भी मेरी जो सलाह है वो यही रहती है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड में जाए, क्योंकि पैसे मैं सेम नहीं रख सकती, पैसे पता नहीं मुझसे बस लग जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कभी मैं बीमार हो जाती हूँ, कभी प्रियांश बीमार हो जाता है, तो कुछ ना ऐसा होया ही रहता है घर में। कुछ जैसे अभी कब एसी ख़राब हो गया था, फिर एसी वो करवाया है ना, दूसरा चेंज करवाया, मेरे वाला लगवाया जो मेरा था, मैंने अपनी फर्स्ट जो सैलरी है उससे मैंने दीपक को गिफ्ट दिया था, घर में एसी लेके आई थी मैं। तो मैंने अपनी 4-5 महीने की जो है पेमेंट इकट्ठी एक एक मतलब एसी में यूज़ की थी, एसी लेके, तो बहुत खुश हुए थे दीपक। तो मैंने फिर ये एसी लगवाया। अब ये देखिए, मैं पेंडेंट भी आपको पहन के दिखा देती हूँ। अब हमने हमारे वो वाला एसी लगाया है, हम ज़्यादा चलाते नहीं हैं क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आ जाना है, लेकिन फिर बस शो है, लगा हुआ है, कभी कभी कोई आता है तो चला देते हैं। तो ये देखो, ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मेरा गोल्ड का जो मेरा सेट है, ये मेरी शादी में दिया था मुझे, जब मैं यहाँ से विदा हुई थी तो मुझे ये ही पहना के विदा किया था, ये मेरा सेट। जो अभी पेंडेंट दिखाया था वो मेरे दीपक ने बनवा के दिया था, वो दीपक ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद अभी ये दिखा देती हूँ मैं, ये देखिए, ये मेरे प्रियांश के कड़े हैं घुंघरू वाले, जब प्रियांश हुआ था तब मम्मी उन्होंने दिए थे। और ये जो पायल है गोभी वाले डिज़ाइन की, ये मेरे ससुराल वालों ने डाली थी, ये काली हो गई है, चांदी है ना तो काली हो जाती है, तो काली हो गई है ये गोभी का डिज़ाइन है ये, मतलब मेरी सासू माँ की थी, उन्होंने अपनी मतलब अपनी जो चीज़ें हैं ये जो पायल है अपनी
मेरी जो दादी सास थी उसने मेरी सास को दी थी, तो मेरी सास ने ये मुझे दी थी, तो इनको इसलिए मैंने भी संभाल के रखा है क्योंकि ये आगे से दादी सास की निशानी है, तो इसको मैं संभाल के रखी हूँ। और उसके बाद जो ये वाली पायल है ये मेरे को मम्मी ने बनवा के दी है, ये वाली मेरी मम्मी ने, ये देखो ये भी पुरानी हो गई, अब नग निकल गए इसके, यहाँ से देखो ये ऐसे था और ये ऐसे देखो। तो ये मेरी इधर की मम्मी ने दी थी, पहले मुझे दूसरी दी थी जो चौड़ी चौड़ी होती है ना, ऐसे चौड़ी चौड़ी वाली पायल वो थी, पर वो मैंने फिर मम्मी से एक्सचेंज करवाई क्योंकि मैं क्या इतनी ओल्ड फैशन सी लगती थी मुझे, चौड़ी चौड़ी पायल घर में नहीं पहनी जाती थी, फिर मैंने ये बनवाई थी, ये दी थी फिर मम्मी ने मुझे बनवा के। ये है ये चांदी की जो रिंग है, ये दीपक को मैंने गिफ्ट की थी, तो ये मेरे पास है। इसके बाद जो नीलम और मुस्कान चांदी की राखी बांधते थे हर बारी प्रियांश के, जो भी मेरे बिछुए हैं ये भी चांदी के बिछुए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा मुझे लग रहा है आज, तो ये मेरे चांदी के बिछुए, बिछुए तो मेरे पास बहुत है, बट ये नए वाले हैं, इसको मैंने अभी तक पहना नहीं है तो ये रखे हैं। ये देखिए ये राखी, ये नीलम लेके आई थी प्रियांश के लिए, मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, तो नीलम लेके आई थी ये। तो पहले तो आप ये देखिए, ये है पी गोल्ड की रिंग है, ये भी पी वाली, ये प्रियांश की है, ये जो प्रियांश हुआ था कुआ पूजन जिसको बोलते हैं ना, जैसे अभी नीलम का बेबी होगा उसका भी कुआ पूजन होगा, तो ये प्रियांश को दिया था मम्मी ने रिंग छोटी सी बनवा के गोल्ड की, क्योंकि उस टाइम वो छोटा था तो उसकी फिंगर में तब ढीली थी, अब इसके टाइट हो गई, तो फिर ये संभाल के रखी हुई है। प्रियांश चिन्नू इधर आ, चिन्नू ये पहन के दिखाती, आती नहीं अब, अब नहीं आती, नहीं आती वो कहाँ भी पी लिखा है ना ये, इसको ना एक बारी ना ऐसे मैं चीजें देख रही थी पे तो मैंने ना इसको बता दिया लिखा कि ये रिंग है, तो भी तेरी प्रियांश ये रिंग है, तो प्रियांश को तब से ये लगा हुआ, मेरी अंगूठी दे दो मुझे, मेरी दे दो मुझे, है ना मम्मी। ये जो है ये बहुत ज्यादा लूज है मेरे, मतलब ये रजनी से है, रजनी शर्मा, जो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगी तो मैं बता दूंगी आप लोगों को, पता लग जाएगा रजनी शर्मा नाम से, तो उन्होंने दी थी मुझे ये। तो ये बीच में आप जो देख रहे हो गोल्ड है, इसको पता नहीं कुछ स्पेशल नाम होता है इसका, रजनी से आप बता दीजिएगा कमेंट में किसको क्या बोलते हैं। ये उन्होंने एयरपोर्ट पे, मैं जब मम्मी को लेने गई थी, जब मम्मी मलेशिया से आए थे तो एयरपोर्ट पे आए थे रजनी से मुझसे मिलने के लिए, तब मेरे को कल फोटोज मिली उनकी मेरे फोन में, तो मैंने देखा तो मुझे याद आ गई, मैंने कहा मैं ज्वेलरी दिखा देती हूँ। और ये देखिए ये जो रिंग उन्होंने मुझे दी थी, बहुत ही प्यारी सी, देखिए क्यूट सी पैकेजिंग में। और ये देखिए ये प्रियांश के लिए वो राखी बांधी थी प्रियांश को, चांदी की भीम वाली, उनकी छोटी सी गुड़िया आई थी साथ, तो उन्होंने ये राखी बांधी थी प्रियांश को, चांदी की राखी। तो देखिए कहते हैं ना यूट्यूब पे क्या मिला क्या मिला, मुझे यूट्यूब पे ये मिला है पता है, इसलिए मैं यूट्यूब को नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि मुझे यूट्यूब पे ये मिला है। और ये मैंने दी थी गिफ्ट दीपक को, बट वो कहते ये लड़कियों वाली है तो उन्होंने पहनी नहीं, सो ये रिंग देखिए, सो वो मुझे वापिस ही दे गए, उन्होंने मुझे वापिस ही दे दी थी, ये देखिए कितना प्यारा सा डिजाइन है, बोले लड़कियों वाला है ये, तो मैंने इतने प्यार से दी थी उनको ये बर्थडे पे। तो अभी दीपक की ना दो चांदी की रिंग्स है मेरे पास, ये देखिए ये दोनों, पता है उनकी गोल्ड की रिंग नहीं है मेरे पास, क्योंकि जब जब शादी हुई थी ना वहां से हम आए थे, तो दीपक ने अपनी रिंग और वॉच दे दी थी, मतलब मेरे उधर ससुराल में ही दे दी थी उनको ही, तो फिर हमने उनसे वापस ली ही नहीं, मेरी ज्वेलरी सारी जो थी ससुराल साइड से वो मेरे पास ही है, जो मेरे मम्मी और पापा ने पहनाई थी दीपक को वो उन्होंने वहां पे अपने घर पे दे दी थी, फिर ना हमने कभी मांगी ना मैंने बोला कभी ना कुछ। और जो चेन थी वो चेन जो दीपक की थी वो मैं पहन के रखती थी, मैं अपने गले में पहन के रखती थी, तो वो घुमा गई थी, गुम हो गई थी, गिर गई थी, फिर जब मैं फेशियल करवाने लगी थी तो जब मैंने चेन उतार के रखी, वो चेन मम्मी और उन्होंने पहनाई थी दीपक को, और उसमें जो पेंडेंट होता था वो पेंडेंट प्रियांश के दादा दादी ने दिया था, मम्मी और उन्होंने रिंग दी थी, उन्होंने पेंडेंट दिया था प्रियांश को गोल्ड का, इसके दादा दादी ने छोटा सा बनवा के, वो मैं पहन के रखती थी दीपक की चेन और पेंडेंट, पर वो अनफॉर्चुनेटली बस गिर गया, गिर गई कहीं पे।
सो गाइज, ये थी मेरी गोल्ड की ज्वेलरी। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों से कुछ नहीं छुपाती हूँ। मेरी ज्वेलरी पहले बहुत थी, मेरे पास हैवी वाले सेट, ये वो सब कुछ था, चेन वेन सब कुछ था मेरे पास, रिंग्स भी मेरे पास 3-4 थी। पर टाइम ऐसा आ गया कि मेरे को सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें सेल करनी पड़ी। ये सारी ज्वेलरी भी मेरी गहने ही रखी हुई थी, जो कि मैंने वन बाय वन कर करके छोड़वाई है अपनी ज्वेलरी। और अभी बस अभी जो एक दो चीज़ें रह गई हैं अभी ज्वेलर के पास, वो भी मैं छुड़वा लूँगी। जिस दिन छूट जाएंगी तो आप सबके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बस मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए प्लीज़। जितना आप पहले मुझे प्यार देते थे अपनी कंचन को, वैसे ही प्यार दीजिए पहले जैसे, ताकि मैं जो मेरे प्रयांश को लेके मेरे सपने हैं, जो मेरा अपना घर बनाने का मेरा सपना है, वो सारे सपने अपने पूरे कर सकूं। ये वीडियो लेंथ ही हो गया है, बट मैं इसको एज इट इज़ ही पोस्ट करूंगी, अपलोड करूंगी। प्लीज़ मुझे प्यार और सपोर्ट करते रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो मैं अपनी सैलरी का भी बनाऊंगी, कि मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपकी कितनी सैलरी आती है, कितनी इनकम है वो बताओ। तो मैं अपनी इनकम भी बताऊंगी, मुझे मंथली, हर मंथ मुझे कितना इनकम होता है, सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करूंगी। चलिए अब इस वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय, लव यू ऑल।